जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। आदर्श नगर थाना पुलिस की टीम ने मोबाइल छीनने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली के नॉर्थ वेस्ट जिला पुलिस की टीम ने आदर्श नगर थाने में दर्ज एक लूट के मामले को कुछ ही घंटों में सुलझा लिया है। पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान राज और अर्जुन उर्फ संजय के रूप में हुई है। दोनों आरोपी दिल्ली के आदर्श नगर इलाके के रहने वाले हैं। नॉर्थ वेस्ट डीसीपी जितेंद्र कुमार मीणा ने खुलासा किया कि 28 जनवरी को ऋषिपाल नाम के एक व्यक्ति ने थाना आदर्श नगर में शिकायत दर्ज कराई थी कि जब वह 28 जनवरी की रात करीब 9 बजे अपने दोस्त से मिलने आदर्श नगर जा रहा था, तभी पीछे से आए दो लोगों ने उसका गला घोंट कर उसका मोबाइल, साथ ही 10,500 रुपए कैश और बाइक की चाबी छीन ली, जिसके बाद आरोपी फरार हो गए। शिकायत के आधार पर थाना आदर्श नगर में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए इंस्पेक्टर विश्राम मीणा के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण किया और मुखबिरों की मदद से संदिग्धों के ठिकानों पर छापेमारी की। लगातार प्रयासों के बाद टीम दोनों आरोपियों को पकड़ने में सफल रही। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और बताया कि वे इलाके में लूटपाट करने के इरादे से घूम रहे थे। उनके निशानदेही पर लूटा गया कैश और मोटरसाइकिल की चाबी बरामद कर ली गई। जांच में यह भी पता चला कि आरोपी अर्जुन उर्फ संजय पहले भी दो लूट के मामलों में शामिल रहा है। पुलिस इस मामले में आगे की जांच कर रही है। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।